हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीपीसी 2 वर्सेस डब्ल्यूसीसी के बीच में होने वाला 13 T10 मैच के बारे में। अगर लीग की बात करें दोस्तों, लीग का नाम है जिम्बाब्वे T10 लीग, और ये जो मैच है दोस्तों 1:30 बजे खेला जाएंगे। पिच बॉलिंग के लिए फेवरेबल है, एवरेज को 90 से 110 रन तक बन सकता है दोस्तों। वेन्यू की बात करें, हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में खेला जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दोनों टीम की फॉर्म की बात करें दोस्तों, यहाँ पर तकसिंगा पैट्रोइट्स सेकंड की बात करें, यहाँ पर 3 मैच खेले, 3 मैच हार गए। वेस्ट साइड क्रिकेट क्लब की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 1 मैच जीते, 2 मैच हारे हैं। अगर यहाँ पर पॉइंट्स टेबल पे ध्यान रखा जाए तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो तकसिंगा पैट्रोइट्स ने तीनों मैच हार के 8th पोजीशन पे, और वेस्ट साइड क्रिकेट क्लब की बात करें, तीन मैच में 1 मैच जीते, 2 मैच हार के 5th पोजीशन पे। तो दोस्तों, ये जो मैच होगा 5th पोजीशन वर्सेज 8th पोजीशन के बीच में खेला जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको मैं प्लेयर्स की स्टैट्स दूंगा। तकसिंगा पैट्रोइट्स सेकंड के लिए आपको विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर्स पे कौन खेलेंगे। इसी प्रकार दोस्तों, वेस्ट साइड क्रिकेट क्लब के लिए यहाँ पर विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर्स कौन खेलेंगे, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों, टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे चुका हूं, उसके साथ साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी पिन किया दोस्तों। एक बार जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। तो दोस्तों, अभी जो वीडियो हम लोग कवर कर रहे हैं, हम लोग क्रिकेट भी कवर कर रहे हैं, इसके साथ साथ दोस्तों कबड्डी भी जा रहा है। तो कबड्डी का दोस्तों एकदम मेगा क्लीन स्वीप जा रहा है दोस्तों, हर मैच जीतने, पहला जो मैच कवर किया अभी दूसरा मैच स्टार्ट हुआ, तो एकदम मस्त मतलब क्लीन स्वीप विनिंग जा रहा है दोस्तों। अगर आपको भी विनिंग टीम चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर प्रूफ के लिए एक मैच दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर तो 100th में से दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेकंड रैंक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर 5 मेंबर्स में 1 रैंक है, अगर आप पॉइंट्स डिफरेंस भी देख लीजिएगा दोस्तों, तो आप मेरे टीम के साथ हेड टू हेड 3 स्पॉट्स अगर आप मेरे टीम के साथ खेलते हो तो आप हमेशा विनिंग में रहोगे। आपके सारा लॉसेस मैं कवर कर दूंगा दोस्तों, ये मेरा वादा है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो भी मैचेस होंगे, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, सब कुछ यहाँ पर अच्छे विनिंग जा रहे हैं। तो दोस्तों, कल रात को अब जो श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के बीच में जो एशिया कप फाइनल हुआ था, वहाँ पर मैंने मोहम्मद रिजवान वनिंदो हसरंगा को कैप्टन वाइस कैप्टन पे रिपीट करने के लिए बोला दोस्तों। जो रिपीट किए हैं वो भी विनिंग किए दोस्तों यहाँ पर। तो इसी प्रकार आपको मैं अच्छी टीम बना के दोस्तों, तो टीम तो सब देंगे, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन कौन चलेगा वो कोई नहीं दे पाएगा, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर बाई मिस्टेक टेलीग्राम का लिंक ओपन नहीं होता तो क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, @शत्रुघ्न225 इस प्रकार सर्च करना है। इस प्रकार सर्च करेंगे दोस्तों तो मेरे चैनल से हो जाएगा। आप देख सकते हो स्क्रीन पे 1200 प्लस यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ यूजर्स है दोस्तों मेरे नाम पे फेक चैनल बना रहे हैं, इससे आप दूर रहिएगा। फाइनल टीम फर्दर अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे ही देने वाला। तो चलिए अब लेट नहीं करते, सारे प्लेयर्स की स्टैट जानेंगे, उसके बाद आपको परफेक्ट फाइनल टीम मैं बना के दूंगा दोस्तों यहाँ पर। तो अगर विकेट कीपिंग की बात करें, यहाँ पर नैन हुंजी है दोस्तों, यहाँ पर 11 रन बनाए लास्ट मैच में। ओवरऑल देखा जाए तो 3 मैच में 18 रन है। उसके बाद दोस्तों, सी न्योकव है दोस्तों, यहाँ पर अगर इनकी बात करें लास्ट मैच में 6 रन, 3 मैच में 14 रन। यहाँ पर न्यासा चिवोरी की बात करें 0 रन है। तो यहाँ पर देखा जाए तो तीनों के तीनों प्लेयर फ्लॉप है, लेकिन अगर आपको इनमें लेना चाहिए तो यहाँ पर नैन हुंजी को आप यहाँ पर पिक कर लीजिएगा। इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर बैट्समैन की स्टैट्स बात कर ले तो डैनियल विजय है दोस्तों, यहाँ पर लास्ट मैच में 1 रन बनाया, 3 मैच में 11 रन है। उसके बाद ब्रायन मजोका 5 रन बनाया, 3 मैच में 32 रन है। और टरीरो मकाइयो की बात करें, नॉट प्ले लास्ट मैच में, 2 मैच में 0 रन बनाए। तो यहाँ पर एक ही बैट्समैन को यहाँ पर मैं पिक करने जा रहा हूँ, ब्रायन मजोका, ये प्लेयर अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की, यहाँ पर मुनासी चिपारी की बात करें, लास्ट मैच ये भी नहीं खेले, और यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो 2 मैच खेले, 4 विकेट लिए। और उसके बाद यहाँ पर ट्रेवर मुस्तम्बा है, लास्ट मैच नहीं खेले, 2 मैच में 20 रन, 3 विकेट इनके पास है। और टेंडे ब्रेंडन न्यामारो की बात करें, 5 रन बनाए, तो 3 मैच में 10 रन, 0 विकेट है। तो यहाँ पर अगर गेंदबाजी ऑलराउंडर्स की बात करें, यहाँ पर मुनासी चिपारा यहाँ पर लास्ट मैच भले नहीं खेले, लेकिन यहाँ पर ये प्लेयर एक इंपॉर्टेंट पिक होंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रेवर मुत्सम्बा को आप यहाँ पर अपनी टीम में रख लीजिए। और गेंदबाजी की बात करें, हॉनेस्ट वीरा है, लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिला, 2 मैच में 1 विकेट इस सीजन में। कया की बात करें, 5 रन बनाए, 3 मैच में 15 रन, 0 विकेट है। नाइजर मुपरूरा की बात करें, लास्ट मैच ये भी नहीं खेले। और यहाँ पर डाइची न्यांद्रो की बात करें, यहाँ पर लास्ट मैच में 1 रन बनाए, लेकिन गेंदबाजी नहीं की है। ओवरऑल देखा जाए तो 3 मैच में 1 रन, 2 विकेट इनके पास है। और नाइजर मुपरूरा की बात करें, यहाँ पर 2 रन, 0 विकेट, 3 मैच में 12 रन, 0 विकेट है। और यहाँ पर विश्वनजी चेफ हम्बो की बात करें, यहाँ पर 2 मैच नहीं खेले, 1 मैच में 0 विकेट है। तो यहाँ पर अगर गेंदबाजी में बात करें तो यहाँ पर जीची न्यांद्रो को आप यहाँ पर पिक कर लीजिएगा। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर हॉनेस जीवेरा को आप अपनी टीम में ले लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार एक टीम की स्टैट्स देखने के बाद वेस्ट साइड क्रिकेट क्लब की भी एक बार स्टैट्स जान लेते हैं। तो विकेट कीपिंग पे आपको केविन कसूजा है, लास्ट मैच में 10 रन बनाए, तो ओवरऑल 3 मैच में 56 रन हुआ। और कुजय सौरंबा की बात करें, 15 रन बनाए लास्ट मैच में, अगर सीजन में बात करें 3 मैच में 48
रन है। अगर आपको विकेट कीपिंग पे लेना, केविन कसुजा एक अच्छा प्लेयर है, कुलसाई को भी आप अपने टीम में ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बैट्समैन की बात करें, यहाँ पर तिनाची चियोरा की बात करें, लास्ट मैच में 3 रन बनाए, एक ही मैच के लिए 3 रन बनाए। उसके बाद यहाँ पर डेफिनेटली मावजाई की बात करें, यहाँ पर लास्ट मैच में 2 रन है, 3 मैच में 26 रन है इनके पास। और क्लेवी चितुम्बा की बात करें, लास्ट मैच में 22 रन, 0 विकेट है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 3 मैच में 38 रन और यहाँ पर 0 विकेट इनके पास है। तो यहाँ पर इनको भी कोई विकेट्स नहीं मिले दोस्तों यहाँ पर, तो दोस्तों वेट कर लीजिए थोड़ा। यहाँ पर तो यहाँ पर अगर बात करें, लास्ट मैच में इनको कोई विकेट नहीं मिला, तो यहाँ पर 3 मैच में 38 रन, 0 विकेट है। और यहाँ पर फॉर्च्यून मलंगा की बात करें, 3 मैच में 0 विकेट, तो आप इनको अवॉइड कीजिए। यहाँ पर आपको क्लीवी चितुम्बा और यहाँ पर डेफिनेट मावजा, इन दोनों को आप अपनी टीम में बैट्समैन में कन्फर्म कर सकते हो। और ऑलराउंडर्स की बात करें, यहाँ पर डोनाल्ड त्रिपैनो है, अगर इनकी बात करें 6 रन 1 विकेट है लास्ट मैच में। अगर ओवरऑल बात करें 3 मैच में 17 रन 3 विकेट है। यहाँ पर तिनासी मुचवाया की बात करें, 6 रन कोई विकेट है, 3 मैच में 36 रन 0 विकेट है। और यहाँ पर प्रॉस्पर मुगेरी की बात करें, 9 रन 1 विकेट है। तो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर आप किस किस को लेना, तो यहाँ पर डोनाल्ड त्रिपैनो एक अच्छा पिक रहेंगे, उसके बाद तिनासी मुचवाया भी एक अच्छा पिक हो सकता है। तो यहाँ पर इन दोनों को आप अपनी टीम में ले सकते हो। उसके बाद गेंदबाजी में यहाँ पर बहुत सारे गेंदबाज हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बेस्ट बॉलर दूंगा टेंडाई चतार, अभी तक तो नहीं खेले, 94 मैच में 99 रन 104 विकेट है। विक्टर न्योचे की बात करें, 21 मैच में 44 रन 28 विकेट है। जॉन मसारा की बात करें, यहाँ पर 0 रन 0 विकेट है, 3 मैच में 1 विकेट है लास्ट मैच में। यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो 3 मैच में 1 विकेट है। उसके बाद यहाँ पर फ्रैंक मैजिटा की बात करें, 3 मैच में 6 विकेट, लास्ट मैच में 1 विकेट मिला, इनको पिक कर लीजिएगा। यहाँ पर विंसेंट मजिका की बात करें, यहाँ पर लास्ट मैच नहीं खेले, हास का मतलब है प्लेइंग 11 पे, लेकिन मौका नहीं मिला यहाँ पर, तो एक ही इनिंग में यहाँ पर इनको मौका मिला, 3 मैच 1 इनिंग में 1 विकेट है दोस्तों यहाँ पर। तो एक ही इनिंग है यहाँ पर, 2 इनिंग नहीं, क्योंकि 1 मैच में प्लेइंग 11 में थोड़ा, लेकिन प्ले मौका नहीं मिला। तो यहाँ पर आपको मैं फ्रैंक को पिक करने के लिए बोलूँगा। उसके बाद अगर कोई भी गेंदबाज है, तो यहाँ पर कोई गेंदबाज, यहाँ पर जॉन मसारा, जॉन मसारा को आप चाहे तो ले सकते हैं यहाँ पर, ये दोनों काफ़ी है। उसके बाद देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर सारे प्लेस की स्टार्ट सब कुछ देखने के बाद अब हम लोग फाइनल टीम बनाएंगे। तो फाइनल टीम के लिए बात करें, तो यहाँ पर विकेट कीपिंग पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पर केविन कसुजा और यहाँ पर सौरंबा को यहाँ पर मैं पिक कर रहा हूँ। उसके बाद बैट्समैन में चितुम्बा है दोस्तों यहाँ पर, चितुम्बा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं बी मजोका, इनको आप पिक करिएगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर डेविड जिया है, ये तीनों बैट्समैन रहेंगे। ऑलराउंडर्स में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मुत्सम्बा है, उसके बाद यहाँ पर छिपारा त्रिपैनो, ये 3 ऑलराउंडर्स आपको बहुत ज़रूरत है। उसके बाद गेंदबाजी में अम्बर छीटा और यहाँ पर न्यानंद्रो। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको जीवीरा को आप अपने ले लीजिए, क्योंकि फेस बॉलिंग करते हैं। और यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन पे तो बहुत सारे प्लेयर्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन पे अगर बात करें त्रिपैनो और यहाँ पर छिपारा, नहीं तो आप एम्बाजीटा और त्रिपैनो को आप यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन पर रिपीट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप टीम देख सकते हो, 2 विकेटकीपर, 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर, 3 गेंदबाज है। तो फिलहाल ये जो टीम है, पहले आप सेव करके रख लीजिएगा। फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया। एक बार जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे, वहीं पर आपको फाइनल टीम फर्दर अपडेट सब कुछ कवर करूंगा दोस्तों, वहीं पर सब कुछ मैं A to Z सारा अपडेट्स मिलेंगे। तो दोस्तों मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो मैचेस है दोस्तों, नेक्स्ट अभी कभी भी कबड्डी देखा जाए तो 3 मैच बचे हैं, उसके साथ साथ क्रिकेट भी अभी भी 4-5 मैच कवर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल 10 मैच कवर करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को मस्ट एंड शुड ज्वाइन कर लीजिए फाइनल टीम फर्दर अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।